आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। भाजपा ने सिर्फ 5 विधायक ही नहीं विपक्ष का खजाना खाली कर दिया। अच्छा वक्ता होने के साथ अन्य खूबियों से भी लैस है भाजपा में शामिल हुए विधायक। भाजपा को 65+ का लक्ष्य हासिल करने में करेंगे मदद। झामुमो और कांग्रेस के लिए यह समीक्षा का वक्त है। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कुनबा खड़ा करना जितना चुनौतीपूर्ण होता है उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण उसे बचाना और बढ़ाना होता है। यह खासकर तब ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब कुनबे को बचाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष के कुनबे में सेंध मारी कर उसकी ताकत कमजोर कर दी है। इससे एक तरह से विपक्ष की कमर ही टूट गई है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष को नख दंत विहीन करने की जिस रणनीति पर भाजपा चल रही है उसका सबसे मजबूत दाव पार्टी ने बुधवार को खेला। यह तो तय है कि कांग्रेस और झामुमो इस झटके के बावजूद खुद को संभालने की पूरी कोशिश करेगी और भाजपा का कड़ा मुकाबला भी करेगी, पर जिन हीरों को इन दलों ने खोया है उसकी क्षतिपूर्ति करना इनके लिए असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो गया है। महामिलन समारोह के बाद झारखंड में मजबूत हुई भाजपा और कमजोर हुए विपक्ष की चुनौतियों को रेखांकित करती दयानंद राय की रिपोर्ट। खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब लेता है तब भी छप्पड़ फाड़ कर लेता है। इसे झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों का चमत्कार कहें या खुदाई करिश्मा, बुधवार को यह कहावत भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित महामिलन समारोह में कुछ चरितार्थ होती दिखी। इस महामिलन समारोह में भाजपा को विपक्ष के ऐसे सुरमा विधायक मिले जो न सिर्फ अपनी शख्सियत में बेजोड़ है बल्कि इसी बहाने भाजपा ने विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उसका सुरमाओं का खजाना खाली कर दिया। विपक्ष को भाजपा के इस सर्जिकल स्ट्राइक से उभरने में बहुत वक्त लगेगा। बुधवार को जिन 5 विधायकों ने भाजपा का दामन थामा उनमें लोहरदगा विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, बरही विधायक और धाकड़ कांग्रेसी नेता मनोज यादव, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, झामुमो के शालीन और सुरक्षित युवा तुर्क कुणाल षडंगी और टेकलाल महतो की विरासत संभाल कर चल रहे मांडू विधायक जेपी पटेल के नाम शामिल है। सुखदेव भगत की बात करें तो वे जितने कुशल वक्ता हैं उतने ही बड़े संगठनकार भी हैं। बातों को तर्क के साथ पेश करने में उनका कोई जवाब नहीं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहने के कारण झारखंड के कद्दावर आदिवासी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनके आने के बाद से भाजपा को लोहरदगा में एक कद्दावर नेता मिल गया है। वहीं बरही विधायक मनोज यादव दबंग तो है, उनका कद इतना बड़ा है कि उनके सामने खड़े होने और बराबरी में बोलने में भी बहुतों को सोचना पड़ेगा। बरही में उनकी लोकप्रियता का भी कोई सानी नहीं है और क्षेत्र का तो बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। यही नहीं, राज्य के लगभग सभी कद्दावर नेताओं में उनकी ट्यूनिंग भी अच्छी है। कांग्रेस ने उनकी कद्र नहीं की यह तो नहीं कहा जा सकता, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस कद्र के वे लायक हैं वह कांग्रेस नहीं कर सकी और भाजपा ने इस मौके को चुनाव से पहले उन्हें पार्टी में शामिल कराकर भुना लिया। इसी तरह झामुमो में तकनीकी ताकत से संपन्न और सुरक्षित और शालीन कोई चेहरा था तो वह बहरा घोड़ा विधायक कुणाल षडंगी का था, पर उनकी अहमियत भी झामुमो नहीं समझ पाया। या कुणाल षडंगी की कृतज्ञता थी कि उन्होंने भाजपा में आने के बाद भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के योगदान को याद किया और इसे महामिलन समारोह में बखूबी अपने जज्बातों के जरिए साझा किया। कुणाल को हेमंत सोरेन से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें दिक्कत थी तो उनसे जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को घेरे रहते हैं और पार्टी को रसतल में मिलाने में लगे हुए हैं। ये झामुमो के छुट भैया हैं जो अपना बड़प्पन साबित करने की असफल कोशिश में ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जिसके बाद कुणाल षडंगी जैसे लोगों का पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। झामुमो को कुणाल के जाने के बाद यह समीक्षा जरूर करना चाहिए कि आखिर वे कौन लोग हैं जिनके रहने से सभ्य और सुरक्षित नेताओं का पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है, जबकि हेमंत सोरेन तो संयमित और विनम्र होने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही जितने दबंग हैं उतना ही बेलाग बोलने के लिए भी मशहूर हैं। धुन के पक्के भानु एक बार तय करने के बाद अंजाम की परवाह नहीं करते।
यही कारण है कि अपना दल खुद चलाने की उन्होंने न सिर्फ सफल कोशिश की बल्कि बुधवार को अपनी गलती भी स्वीकार और कहा कि वे पॉलिटिकली मैच्योर अब हुए हैं। भानु प्रभावशाली वक्ता है और अब भवनाथपुर में भाजपा उनके नेतृत्व में विजय श्री का झंडा बुलंद करेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं रह गया है। कुल मिलाकर इस सीट पर पार्टी को एक ऐसा नेता मिल गया है जो बहुत आगे तक जा सकता है। उसे अवसर की जरूरत थी जो भाजपा में शामिल होने के बाद भानु को मिल गया। अब बात जेपी पटेल की करते हैं। जेपी पटेल को भी झामुमो संभाल नहीं पाई तो यह पार्टी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जेपी टेकलाल महतो की राजनीतिक विरासत की उपज हैं। उनका शारीरिक कद भले ही जरा छोटा है पर राजनीतिक कद निर्विवाद रूप से बहुत बड़ा है और क्षेत्र में उनकी पकड़ भी जबरदस्त है। उनके आने के बाद मांडू में भी भाजपा इस क्षेत्र से जीत हासिल करने को लेकर लगभग आश्वस्त हो सकती है। अभी तक जो कहानी कही गई है उसमें यदि डॉक्टर अरुण उराव को छोड़ दिया जाए तो यह कहानी अधूरी मानी जाएगी। डॉक्टर अरुण उराव कांग्रेस में जिस स्थान के हकदार थे उन्हें वह नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के निर्णायक जीत के पीछे उनका विजन, उनकी नेतृत्व क्षमता और सबसे बढ़कर पूर्ण समर्पण के साथ काम करने की उनकी योग्यता का कांग्रेस पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाई। कद्दावर नेता होने के सभी गुणों से सुशोभित डॉक्टर अरुण उराव का प्रबल पक्ष यह है कि वे न सिर्फ अपने पिता बंदी उराव की राजनीतिक विरासत से लैस हैं, बल्कि एक बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर के रूप में भी उन्होंने अपनी कार्य क्षमता का लोहा मनवाया है। उनके भाजपा में शामिल होने से न सिर्फ भाजपा को एक कुशल रणनीतिकार मिला है बल्कि एक ऐसा राजनेता मिला है जिसकी क्षमता पर शायद ही कोई सवाल उठा पाएगा। गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद डॉक्टर अरुण उराव में विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है और जमीन से जुड़े होने के कारण उनके राजनीति में उपलब्धियों का आसमान छूने की कुबत भी है। विपक्ष को भाजपा ने जोर का झटका धीरे से दिया। बुधवार को विपक्ष के जो 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं उससे विपक्ष को करारा झटका लगा है। खासकर झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल झामुमो और गठबंधन में झामुमो के साथी कांग्रेस के लिए तो यह बड़ा सेटबैक है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भले ही यह कहे ये नेता स्क्रैप है पर सच्चाई क्या है यह जग जाहिर है। भाजपा के इस झटके से उबरने में विपक्ष को बहुत वक्त लगेगा। इनके पार्टी में शामिल होने के बाद भाजपा के लिए झारखंड में 65+ का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ने का मार्ग अपेक्षाकृत सुगम हो गया है। अपने धाकड़ विधायकों को खोने के बाद कांग्रेस भी सदमे में है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को अपने जज्बात जाहिर करते हुए कहा कि जो भाजपा में गए उन्होंने अवसरवादी राजनीति की है। वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और वोट बेचकर भाजपा में चले गए। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ऐसे लोगों का कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। इनको केवल चुनाव लड़ना और जीतना है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जो बयान दिया वह सिद्धांत के रूप में तो सही है पर व्यवहारिक वही था जो भाजपा में आए विपक्ष के 5 विधायकों ने किया। इन 5 विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि उसकी चुनावी रणनीति और टाइमिंग बेजोड़ है और विपक्ष के लिए यह समीक्षा का वक्त है जिससे वह समझ सके कि आखिर उसके अपने साथी उसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।